नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बाघ पर, जो सुंदर भी है, खतरनाक भी है और साहस इतना है कि अकेले ही हाथी पर छलांग मार दे, और समझदार इतना कि जब अपने पर आए तो अच्छे अच्छे शिकारियों की अकल को हरा दे। अंग्रेजों के राज में अंग्रेज शिकारी, भारतीय शिकारी और जो डरपोक अंग्रेजों के गुलाम राजा थे, ये सभी अपनी वीरता बंदूकों के दम पर इसे ख़त्म करने पर लगा रहे थे। बताया जाता है कि अंग्रेजों के समय में 1,00,000 के आसपास बाघ हुआ करते थे भारत में, लेकिन नपुंसकों की टोलियों ने बंदूकों के दम पर भर भर कर शिकार किया। आज भारत सरकार के प्रयासों से लगभग 4,000 बाघ हो चुके हैं और आने वाले 10-20 सालों में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा, और बाघ के द्वारा इंसानों को खाए जाने की घटनाएं बहुत अधिक बढ़ेंगी। जंगल भी अधिक बढ़ाने चाहिए सरकार को, तभी लाभ होगा, क्योंकि केवल बाघ ही नहीं, तेंदुआ, हाथी और भी कई जानवरों की संख्या अच्छी खासी बढ़ रही है, तो इनके लिए रहने का स्थान भी तो ज़्यादा होना ही चाहिए। मैं कई बार सोचता हूँ कि पूर्व काल में जब एक ही जंगल में शेर, बाघ, तेंदुआ एक साथ रहते होंगे तो इनके बीच कितना अधिक संघर्ष हुआ करता होगा। यदि आपको भी जंगली जानवरों से प्रेम है और इनके बारे में पढ़ना सुनना पसंद है तो जिम कॉर्बेट की कहानियाँ पढ़ना बहुत ही मज़ा आएगा आपको।